और बताइए आप लोग कैसे? पहले आए हो क्या? सर पहले भी आए? अच्छा आप फर्स्ट टाइम कोचिंग कर रहे हो? और आप मैडम, इससे पहले कुछ भी किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी नहीं किया? एकदम जीरो लेवल पे, एकदम जीरो। चलिए बढ़िया। मेरा नाम मोहम्मद रियाज है और हम पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी, यानी भारत का भूगोल। बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग विषय है, कोशिश करें कि मजा आएगा, ठीक है, पढ़ने में। आपने सिलेबस देखा है कभी? बीएससी सिलेबस देखा है? किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए सिलेबस सबसे पहली चीज होती है। क्या आपको सिलेबस के बारे में जानकारी होनी चाहिए तो ऑफिस से जाके सिलेबस ले लीजिएगा, ताकि आपको पता चले कि किसकी तैयारी कर रहे हैं आप। सिर्फ प्री बोलने से तैयारी नहीं होती। जैसे कि आप जानते हैं, सीजीपीएससी एग्जाम 3 चरणों में होता है। सिलेबस पे बात करें कि बात हुई थी इससे पहले? बात हो गई थी, मैं ना करूं? चलिए ठीक है, जैसा आपकी मर्जी। जैसा कि ये एग्जाम कितने चरणों में होता है, चलो आप ही बताते रहिए। 3 चरणों में सबसे होता है, पहला होता है प्रीलिम्स, दूसरा मेंस और तीसरा इंटरव्यू। प्रीलिम्स जो होता है वो एक छठवीं स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, जिसमें लोगों को छाटा जाता है। और मेंस में जितने भी पोस्ट होती है, जैसे 200 पोस्ट है, तो 200 का कितना गुना? 15 गुना। 15 गुना मतलब कितने हो गए? 3,000। तो जितने भी लोग एग्जाम देंगे प्री का, उससे फर्क नहीं पड़ता कि 1 लाख लोग दें या 1.5 लाख दो, कितने लोग मेंस लिखेंगे? तो सिर्फ 3,000 लोग क्या लिखेंगे? मेंस लिखेंगे। कितने हजार? 3,000 लोग मेंस लिखेंगे। और जब इंटरव्यू में जाएंगे, तो जितने पोस्ट होती है उसका 3 गुना लोग इंटरव्यू में जाते हैं। जहां 15 गुना लोग मेंस लिख रहे थे, लेकिन 3 गुना लोग, यानी कि 200 पोस्ट है, तो into 3 = 600। अरे है ना, गणित कैसा है आप लोग का? तो 200 में 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो हुए कितने? 600। तो इंटरव्यू में कितने लोग जाएंगे? ये सब बताया ना, ये सब बात हुई थी, तो बताओ। तो 600 लोग इंटरव्यू देंगे, और हर 3 में एक का क्या होगा? सिलेक्शन होगा। मतलब प्रीलिम्स, फिर मेंस और फिर इंटरव्यू। ये 3 फेजेस में आपको युद्ध लड़ना है। प्रीलिम्स भी निकालनी है, मेंस भी निकालना है और इंटरव्यू भी निकालना है, तब जाके आपको आपकी मंजिल मिलेगी। और क्या बनना चाहेंगे आप लोग, बोल दो। डिप्टी कलेक्टर? अरे बोलो यार, डिप्टी कलेक्टर वही तो बनोगे यार। क्या डीएसपी बनना है? क्या बदला लेना है किसी से? नहीं ना। हाँ अच्छा, बदला लेना है क्या किसी से? ऐसा कुछ नहीं है। चलिए इधर डीसी बनना है, इधर डीसी। चलिए डीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? हाँ डिप्टी कलेक्टर। स्पेलिंग क्या है? हाँ चलिए, हर एक जगह आपका इम्तिहान लिया जाएगा, ठीक है, और आपको हर एक इम्तिहान में क्या होना है? पास होना, चाहे स्पेलिंग टेस्ट हो या फिर एक्चुअल का टेस्ट हो। क्लियर? चलिए तो हेडिंग डालिएगा भारत का भूगोल। हेडिंग डालिएगा भारत का भूगोल, यानी कि इंडियन जियोग्राफी। इंडियन जियोग्राफी कभी पढ़े हैं भूगोल? कभी नहीं पढ़े हैं? 10th तक तो पढ़े होंगे क्या? कैसे कर रहे हो? 10th तक तो बच्चा बच्चा पढ़ता है इधर, 10th तक तो पढ़े होंगे। उसके बाद कभी मौका मिला भूगोल पढ़ने का? उसके बाद कभी मौका नहीं मिला। और कॉपरेट करिए, देखिए पहली क्लास ज्यादा पढ़ाता नहीं हूं मैं, बात करता हूँ, ताकि एक इंट्रैक्शन बने कि आप मुझे समझो और मैं आपको समझू, कि मुझे आपको कैसे पढ़ाना है और आपको मुझसे कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो 10th तक अगर पढ़े हो, तो 10th तक भूगोल कैसा लगता था? मतलब भागते थे भूगोल से कि पढ़ते थे? पढ़ते थे। समझ रहे हैं भूगोल? समझ पा रहे हैं भूगोल ना? चलिए तो अगर पढ़ते थे तो एक सवाल पूछूं। चलिए, भारत के कौन से नंबर का सबसे बड़ा देश है? 7वें नंबर का। तो ये सब कुछ बेसिक चीजें तो पता तो हो गई है ना, ठीक है। चलिए सब पे बात करेंगे। चलिए इंडियन ज्योग्राफी में सबसे पहला हमारा जो चैप्टर है, उसका नाम लिखेगा भारत की अवस्थिति एवं विस्तार। आप सिलेबस ले लीजिएगा, पूरा लिस्टिंग नहीं करता मैं क्या क्या पढ़ रहे, मतलब पूरा पूरा फॉर्मेट बना दूं, कोई मतलब नहीं है। हम एक एक चैप्टर पढ़ते जाएंगे, समझ में आता जाएगा कौन कौन सा चैप्टर हमारे सिलेबस में, ठीक है। तो सबसे पहला चैप्टर हमारे इंडियन ज्योग्राफी का कौन सा है? तो बताएंगे भारत की
अवस्थिति एवं विस्तार, और सब कुछ लिखना है ना, इसके नोट्स मैं आपको दे दूंगा, लेकिन सब चीज लिखते रहिएगा और खुद का नोट्स बनाइएगा। तो सबसे पहला चैप्टर क्या नाम बताएंगे, जल्दी बता दीजिए, बोलते रहिए, बोलने की कोशिश करें, बोलने वाला विद्यार्थी चाहिए मुझे, ठीक है, बोले। भारत की अवस्थिति एवं विस्तार, और यहाँ पे अवस्थिति का मतलब होता है क्या, लोकेशन, अवस्थिति का मतलब होता है लोकेशन, लोकेशन समझ रहे, और विस्तार का मतलब होता है एक्सपेंशन। तो यहां पर किसके लोकेशन की बात हो रही है, यानी भारत का लोकेशन कहां पर है ना, इस पे बात हो रही है। तो यहां पर आप बात समझिएगा, जब भी हम लोकेशन की बात करते हैं तो लोकेशन के लिए हमें दो रेखाएं चाहिए होती है, लोकेशन के लिए हमें दो रेखाएं चाहिए होती है, एक रेखा का नाम कौन सी है, क्या बताएंगे, अक्षांश रेखा, और एक रेखा कौन सी है, तो क्या बताएंगे, बोलते जाइएगा, एक रेखा कौन सी, अक्षांश रेखा और एक देशांतर रेखा। अब एक बात और समझिएगा, इन रेखाओं की अगर हम बात करें तो ये रेखाएं कहां पर खींची गई है, कहां पर खींची गई है, तो बता दीजिएगा, ये सारी रेखाएं इंडिया में नहीं खींची गई है, ये सारी रेखाएं छत्तीसगढ़ की नहीं है, ये सारी रेखाएं यानी अक्षांश और देशांतर रेखाएं कहां पर खींची गई है, तो बता दीजिएगा, पृथ्वी, पृथ्वी पर, एक नॉर्मली बता रहा हूं, पृथ्वी पर अगर कोई आड़ी लाइन खींची गई है, आड़ी लाइन यानी कि इसको कौन सी लाइन बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल, क्या बोलेंगे इसको, हॉरिजॉन्टल, और हॉरिजॉन्टल क्या बोलते हैं, तो बता दीजिएगा, क्षैतिज, सब पे बात करेंगे, एक एक चीजों पे बात करेंगे, लेकिन आप समझते रहिएगा, क्षैतिज लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन या फिर आड़ी लाइन को क्या बोलते हैं, तो बता दीजिएगा, कौन सी रेखा बोलेंगे, अक्षांश रेखा। तो अक्षांश रेखा एक कैसी रेखा है, तो बता दीजिएगा नॉर्मली कि वो एक कैसी लाइन है, कैसी रेखा है, हॉरिजॉन्टल लाइन है या फिर एक क्षैतिज रेखा है, ये भी बात समझ में आ रही। और अगर मैं खड़ी लाइन खींचता हूं, खड़ी लाइन को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, क्या बोलते हैं, वर्टिकल, जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे, ऊर्ध्वाधर रेखा। तो अगर खड़ी लाइन खींची जा रही है तो उसको क्या बोलेंगे, तो बता दीजिएगा, देशांतर। तो अगर पृथ्वी पे आड़ी लाइनें दिख रही है, अगर पृथ्वी पे आड़ी लाइन दिख रही है, ये लेटी हुई लाइन दिख रही है, हॉरिजॉन्टल या क्षैतिज लाइन है, तो उसे आप क्या बोल रहे हैं, और अगर खड़ी लाइन है तो उसको आप क्या बोल रहे हो, देशांतर। समझते रहिएगा। फिर ये देखिएगा, अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन खींच दी जाए तो ये दोनों, ये इस जगह पर ये दोनों रेखाएं क्या करेगी, एक दूसरे को काटेगी। तो जहां पर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती है, वही होता है आपका क्या, लोकेशन। यानी पृथ्वी पर अक्षांश और देशांतर एक किस प्रकार की रेखा है, तो बता दीजिएगा, काल्पनिक रेखा। कैसी रेखा है, तो क्या बताएंगे, काल्पनिक रेखा। क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इसे हमने खींची है, ये कोई भगवान द्वारा खींची गई रेखा नहीं है, इसे हम खींच रहे हैं, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं इसको। तो कोई पूछे कि अक्षांश देशांतर क्या है, तो बता दीजिए, अक्षांश और देशांतर पृथ्वी पर खींची गई वे काल्पनिक रेखा है जिनका इंटरसेक्शन पॉइंट यानी प्रतिच्छेद बिंदु, क्या बोलते हैं इसको, प्रतिच्छेद बिंदु, इंटरसेक्शन पॉइंट आपका क्या कहलाता है, लोकेशन। लिख पा रहे, लिखिएगा, चलिए एक एक चीज लिखिए। अक्षांश और देशांतर पृथ्वी पर खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं हैं। और एक बात और बता रहा हूं, थोड़ा सा एफर्ट करना सीखो, हमने कैसे थे कैसे हैं वह सब छोड़ दीजिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको क्या करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा कि दौड़ना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा। लेकिन चूंकि आप अभी बहुत बेसिक लेवल पे तैयारी कर रहे हो, इसे आराम से चलिए, दौड़ने की जरूरत नहीं है। क्या कहेंगे, अक्षांश और देशांतर पृथ्वी पर खींची गई वे काल्पनिक रेखा है जिनका प्रतिच्छेद बिंदु, जिनका प्रतिच्छेद बिंदु क्या कहलाता है, अवस्थिति यानी कि लोकेशन कहलाता है। फिर से कह रहा हूं, अक्षांश और देशांतर रेखाएं पृथ्वी पर खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं हैं जिनका कौन सा बिंदु, बोलिए, अरे क्या लिखा हुआ है, प्रतिच्छेद बिंदु, पीछे बहुत खामोश लग रहे हो, ठीक है, जिनका प्रतिच्छेद बिंदु क्या है आपका, क्या है आपका, ये गोला क्यों खींचा बताइए। चलिए अब एक बात और समझिएगा, अगर आप अगर आपके लोकेशन की बात करें तो आपका लोकेशन क्या होगा, कभी व्हाट्सएप पे लोकेशन सेंड किए, कभी आपने व्हाट्सएप पे लोकेशन सेंड किए, तो लोकेशन सेंड किया, लेकिन लोकेशन सेंड करने के दौरान क्या किया आपने, सामने वाले कैसे पता चला आपका लोकेशन। अभी तो कह रहा हूं लोकेशन के लिए कौन सी दो रेखाएं चाहिए, अभी ये भी क्लियर करूंगा कि अक्षांश क्या होता है, देशांतर क्या होता है। फिलहाल तो आप इसे एक लाइन के रूप में देखिए, तो आपने सामने वाले क्या भेजा, एक अक्षांश रेखा भेजी होगी और एक देशांतर रेखा है, और ये जहां पर आपस में एक दूसरे को काटेगी वही तो होगा क्या,
आपका लोकेशन। तो व्हाट्सएप पे जो अपना लोकेशन सेंड करते हो ना, तो सामने वाले को क्या भेजा आपने, एक लैटिट्यूड यानी कि अक्षांश और एक लॉन्गिट्यूड यानी कि देशांतर, और जहां पर ये आपस में काटती है वही आपका क्या है। बात समझ में आ रही? हर किसी का अपना क्या होगा, एक लोकेशन, एक लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के इंटरसेक्शन पॉइंट, ये है आपका लोकेशन, क्लियर। लेकिन अगर बात अगर भारत की करें तो भारत का क्या है, भारत कोई बिंदु है क्या? अगर जैसे आप एक बिंदु हो, आप सिर्फ एक क्या हो, बिंदु हो, तो आपका क्या होगा, एक लैटिट्यूड होगा और एक ही लॉन्गिट्यूड होगा। लेकिन अगर आप भारत की बात करें तो भारत कोई बिंदु है क्या? तो भारत कोई बिंदु है क्या जिसका एक लैटिट्यूड होगा और एक लॉन्गिट्यूड होगा? नहीं ना। तो भारत क्या है, यहां से लेकर यहां तक ये क्या है, लाइन जो मैं खींच रहा हूं ये कौन सी लाइन है, इसे कौन सी लाइन कहते हैं, इसे अक्षांश रेखा कहते हैं। तो यहां से लेकर यहां तक क्या है, भारत का विस्तार है। बात समझ में आ रही? और यहां से लेकर यहां तक का मतलब क्या है, कहां से, दक्षिण से लेकर कहां तक। अरे भैया ये क्या है, भारत का दक्षिणी बिंदु, ये है भारत का उत्तरी बिंदु। तो दक्षिण से लेकर उत्तर के विस्तार को भारत का कौन सा विस्तार कहेंगे, ये विस्तार कौन सा है, अक्षांशीय विस्तार। अवस्थिति की बात करेंगे कि हमारा भारत पृथ्वी पर कहां पर है, और दूसरा उसका विस्तार, मतलब एक कहां पर है और दूसरा कैसा है। बात समझ में आ रही? विस्तार मतलब कितना लंबा है और कितना, अरे एक लंबा है तो दूसरा क्या होगा, चौड़ा। तो भारत कितना लंबा है और कितना चौड़ा है ये बताता है उसके। तो विस्तार में दक्षिण से लेकर उत्तर के विस्तार को भारत कौन सा विस्तार कहते हैं, सब बोलेंगे, पीछे वाला खामोश बहुत हो, बोलो, अरे बोलो यार, दक्षिण से लेकर उत्तर के विस्तार को क्या बोलेंगे भारत का। और यहां पर देखिए ये पश्चिमी बिंदु है और ये कौन सा बिंदु है, पूर्वी बिंदु। तो ये हो गया, ये क्या हो गई, अगर पश्चिम के लिए मैंने एक लाइन खींची है तो ये खड़ी लाइन है, तो ये क्या हो गया, देशांतर। और ये भी क्या हो गया, तो पश्चिम से पूर्व के विस्तार को भारत का कौन सा विस्तार कहेंगे, ये देखिए ये देशांतर से यहां देशांतर तक भारत फैला हुआ है, तो ये कौन सा विस्तार हो गया, देशांतरीय विस्तार हो गया। बात समझ में आ रही? तो उत्तर से दक्षिण, अब देखिए यहां पे उत्तर से दक्षिण ना बोलकर मैं क्या बोल रहा हूं, दक्षिण से उत्तर, ये भी क्यों कह रहा हूं, ये भी क्लियर करूंगा, लेकिन थोड़ा सा रुकिए। तो दक्षिण से उत्तर के विस्तार को भारत का कौन सा विस्तार कहते हैं, पश्चिम से पूर्व के विस्तार को भारत का कौन सा विस्तार कहते हैं, तो इसके बारे में पढ़े। तो ये क्या हो गया आपका विस्तार, तो विस्तार कितने प्रकार के, दो, एक होता है कौन सा विस्तार, अक्षांशीय विस्तार, जिससे पता चलता है हमारा भारत कितना लंबा है, और देशांतरीय विस्तार से पता चलता है भारत कितना चौड़ा है। बात समझ में आ रही? तो ये हो गया किसमें, विस्तार, और ये क्या हो गई आपकी, अवस्थिति। अब अवस्थिति पढ़ाऊं विस्तार पढ़ाऊं, उससे पहले ये समझा देता हूं कि ये अक्षांश और देशांतर क्या होता है। अगर मैं आपसे पूछूं, देखिए मेरे लिए चैप्टर खत्म करना बहुत बड़ी बात नहीं, मतलब दो मिनट में खत्म कर दूं, लेकिन उससे रिलेटेड अगर दो शब्द आ रहे हैं अक्षांश और देशांतर, तो आप मुझे बताइए कितने लोग ऐसे हैं जिनको अक्षांश और देशांतर क्लियर है कि क्या होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या है ये अक्षांश रेखा, तो सिर्फ आप ये बताओगे कि ये दोनों रेखाएं कैसी रेखा है, इसके अलावा क्या जानते हो, क्या है ये अक्षांश, कोई आइडिया नहीं ना, हालांकि सब पढ़े हो स्कूल में लेकिन भूल गए। तो हम देखिए मैं तो इसको खत्म कर दूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इसको भी, आपको बता दूं अक्षांश और देशांतर रेखाएं कहां पर खींची गई है, और पृथ्वी या उसके बारे में कोई भी चीज आप पढ़ोगे तो वो किसके अंतर्गत आएगी, वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत आएगी। और पीएससी के सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ क्या दिया है, इंडियन ज्योग्राफी, बजाय इसके कि हम सिलेबस से बाहर का भी पढ़ेंगे, सिलेबस सिर्फ इंडियन ज्योग्राफी है, लेकिन इंडियन ज्योग्राफी की बहुत सारी चीजों को समझने के लिए हमको किसका रेफरेंस लेना पड़ेगा। तो इसका यह मतलब नहीं कि हम अपनी टॉपिक से हटकर पढ़ रहे हैं, नहीं, हम टॉपिक से बाहर का पढ़ जरूर रहे हैं, लेकिन वो भी जरूरी है। अगर मैं आपको नॉर्मली बताता हूं, देखिए यहां पे एक बात समझिएगा, अगर मैं नॉर्मली क्या लिखता हूं कि भारत का जो दक्षिणी बिंदु है वो 8 degree 4 minute उत्तरी अक्षांश पर है, और भारत का उत्तरी बिंदु जो है वो 37 degree 6 minute उत्तरी अक्षांश पर।
एक सवाल आ रहा होगा आपके मन में, ये सही है और ऐसा है, ये ऐसा है। अगर कोई पूछे भारत का दक्षिणी बिंदु किस अक्षांश पर है तो क्या बोलोगे? घर वालों ने जबरदस्ती भेजा है कि खुद से पढ़ने आया, ये मुझे बताओ। एक तो घर वाले होते हैं कि चल 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 जा पढ़ाई कर, एक ये होते हैं, और एक होता है कि मुझे खुद से तैयारी करनी है, खुद से कुछ बनना है, एक ये विद्यार्थी होते हैं। तो जिनको खुद से तैयारी करनी होती है वो आगे बढ़कर अपने आप को तैयार करते हैं, और जो घर वालों के दबाव में तैयारी कर रहे होते हैं वो पहले तो घर वालों के प्रेशर में रहेंगे, फिर अगर कुछ हुआ तो वो अपने लिए कुछ सोचेंगे। तो क्या है आपका? घर वालों ने भेजा है इधर, तो खुद से आने वाले। एक बात बताता हूँ, चलो सुन लो, पढ़ाना तो क्या है यार, जब पढ़ना होगा तो खुद ही पढ़ लोगे। चलो सुनो, जब एक टिकट की मूवी, टिकट मूवी की टिकट बुक होती है, कोई भी टिकट मूवी, जैसे मान लीजिए कौन सी मूवी आई है, मान लीजिए आएगी, कौन सी आ रही है, फास्ट एंड द फ्यूरियस आ रही है मान लीजिए, या कोई भी अगर बॉलीवुड मूवी अगर देखते हैं, कोई भी अच्छी धूम फोर आ रही है, अगर धूम फोर आ रही है, जाओगे आपकी मनपसंद मूवी जो आ रही है, चलिए आप जाओगे, आप टिकट बुक करोगे। अगर आपने ऑनलाइन टिकट बुक किया तो टिकट बुक करने के साथ, और अगर आप अकेले नहीं हो, किसी के साथ अगर आपने दो टिकट बुक किया, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ, मुंह मत खिलवाओ, रिकॉर्ड हो रहा है, इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा। तो अगर आपने दो टिकट बुक की तो उस टिकट की खुशी, टिकट की मूवी की टिकट बुक करने की खुशी आपके मन में होगी कि नहीं? अरे यार आज टिकट बुक हो गया, कल मैं मूवी देखने जाऊंगा, है ना, होगी। चलिए कल का दिन आ गया, अब मूवी के लिए आप तैयार हो रहे हो, ये परफ्यूम लगा रहे हो नीचे से ऊपर तक, सब परफ्यूम लगा रहे हो, उसकी खुशी देखो, देखते ना आपकी खुशी कितनी छड़ी होती है, दो मिनट की खुशी होती है, देखिएगा। तो बड़ा परफ्यूम लगा रहे हो, मजा आ रहा है ना, फिर गाड़ी स्टार्ट करके निकल भी जाते हो, बड़ा मजा आ रहा होता है, मूवी जाने वालों पिकअप भी कर लेते हो, वाह बड़ा मजा आ रहा है, थिएटर भी पहुंच जाते हो, मूवी भी देख रहे होते हो, एंजॉय भी कर रहे होते हो, और निकलने के बाद भी दो दिन तक एंजॉय कर रहे होते हो, अरे बड़ा अच्छा मूवी था जो मिल रहा है, बड़ा अच्छा मूवी था। इस छोटी सी मूवी के लिए आप इतनी खुशी, और जिससे आपका कैरियर बन रहा है उसकी इतनी भी खुशी मुझे आपके चेहरे में नहीं दिख रही है, क्यों, क्या हुआ? तो बंद कर दो इसी, उसमें क्या है, अरे यार आप लोग कुछ कहते क्यों नहीं हो, कहाँ है रिमोट, कहाँ है, बंद करो, बंद कर दो, चलिए बंद कर दीजिए, अरे किसी एक को भी दिक्कत है तो बंद करो। तो क्या समझ में आया कि छोटी सी एक मूवी के लिए, 3 घंटे की मूवी के लिए इतनी खुशी, और जिससे पूरा आपका 35-40 साल आपका सेफ हो रहा है, सिक्योर हो रहा है, डीपीटी कलेक्टर का नाम आपके साथ जुड़ रहा है, उसकी इतनी भी खुशी मुझे आपके चेहरे में नहीं दिखती। कल चलिए, कई लोग को क्या होता है, क्लासेस करनी होती है तो रेगुलर होते हैं, कई लोग नहीं आते हैं, कल नहीं आओ अगर आप, ठीक है तो क्लासेस नहीं चलेगी या कोई और आएगा, तो उससे फर्क नहीं पड़ता, फर्क ये पड़ता है कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं, आप कुछ बनना चाहते हैं। संस्था कोई भी हो, हर कोई पढ़ाएगा, भूगोल मैं भी पढ़ाता हूं और भी कई लोग होंगे जो पढ़ाते होंगे, मतलब वो नहीं, मतलब ये कि आप पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि हर पढ़ने वाला व्यक्ति एग्जाम निकालता है, लेकिन हर एग्जाम देने वाला व्यक्ति एग्जाम नहीं निकालता। सिर्फ आप एग्जाम दे रहे हैं इसलिए एग्जाम निकलेगा क्या, कि आपको एग्जाम निकालना है इसलिए एग्जाम निकलेगा? और एग्जाम देखिए दो लोग होते हैं, एक एग्जाम देने वाले और एक एग्जाम, आप किस नेचर के हैं वो एक अलग चीज है। इस फील्ड में आने के बाद सब एक हो जाते हैं, सबका एक मकसद हो जाता है, आपके अलग अलग मकसद होंगे, अलग अलग सोच होगी, अलग अलग चीजें होंगी आपके, मतलब नेचर बिहेवियर ये सब अलग अलग हो सकता है, लेकिन आप में सब एक चीज कॉमन होगा, और वो है कि आप सबको पीएससी का एग्जाम देना है और सबको डिप्टी कलेक्टर बनना है, सिवाय के डीएसपी बनना है। तो जब सबके मकसद एक है तो सबको एक ही रास्ते पे चलना है, जैसे डोंगरगढ़ जाना होता है ना, कहीं से भी जाओ कहीं से भी आओ, सबको एक ही रास्ते से उस मंदिर की तरफ जाना होता है। तो जब आपका रास्ता सबका एक है तो अब आप एक होकर चलेंगे, बात समझ में आई? अगर क्लास में कोई एक बोल रहा है तो समझे कि सबको बोलना है, मैं किसी एक को नहीं, मैं सबको पढ़ा रहा हूं, सबको बोलना है, सबको एक ही पैटर्न पे चलना है, सबको एक ही टेस्ट देना है, सबको उसी टेस्ट में अच्छे नंबर लाने हैं, बात समझ में आ रही है? पीछे समझ लो, जिंदगी बड़ी वो बोले किस्मत बड़ी क्या चीज होती है, कभी पलटी मार देती है। ये नहीं कि जिंदगी आपके हिसाब से चलती है, जिंदगी को अगर आप अपने हिसाब से चलाना चाहते हो तो कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अगर आप चाहते हैं जिंदगी आपके हिसाब से हो तो आप वो करिए
जो एक्चुअल में सही है, जिसके लिए माँ बाप, जैसे आप जैसे यहाँ कोचिंग करने आए, तो आपके माँ बाप का एक सपना बन चुका होगा कि मेरा बेटा अगर पीएससी तैयारी कर रहा है तो मेरा बेटा कल के दिन डिप्टी कलेक्टर बनेगा, ये सपना उनके साथ जुड़ गया। अगर आप सच में अगर उनको कोई खुशी देना चाहते हो, तो उनके लिए सबसे बड़ी खुशी क्या होगी कि आप उस मकाम तक पहुंच के दिखाओ, वो डिप्टी कलेक्टर बन के दिखाओ, ताकि उनको खुशी मिले। एक माँ बाप के लिए इससे बड़ी खुशी की बात क्या होती है कि उनका बेटा एक गवर्नमेंट ऑफिसर है, सेकंड क्लास ऑफिसर है, डिप्टी कलेक्टर है, और क्या चाहिए उनको बताइए? और क्या इससे बड़ी खुशी कि मैंने अपने बेटे को पढ़ा लिखा के इतना बड़ा किया और आज उसने अपनी मेहनत से डिप्टी कलेक्टर बना, और क्या चाहिए बताइए एक माँ बाप को, और क्या चाहिए? लेकिन अगर आप ऐसे खामोश रहेंगे, ऐसे डूबे डूबे से रहेंगे किसी के, तो आप देखिए एक प्रशासनिक अधिकारी कैसा होता है ये शायद आप अभी नहीं जानते, लेकिन आपको कल कैसे रहना है ये आपको आज से जानना होगा। नहीं समझ रहे ना? सब समझ में आ जाएगा, मेरी बातें बाद में सबको समझ में आ जाती है। मैं कह रहा हूं प्रशासनिक अधिकारी कैसा रहता है, क्या उसके चेहरे में गंभीरता होती है कि उसके चेहरे में एक हल्की मुस्कुराहट होती है, क्या उसके चेहरे में माथे पे शिकन होती है कि उसके चेहरे में मुस्कुराहट होती है बताइए? एक कभी देखे प्रशासनिक अधिकारी का? अरे अब तो टिकटॉक में बहुत सारे अधिकारी लोग आते हैं ना, और ऐसा चलते हैं जैसे कि मतलब बेहतरीन टाइप का, एकदम से आपके चलने का तरीका, आपके बैठने का तरीका, आपके उठने का तरीका, आपके बोलने का तरीका, ये सब चीजें आपको क्या करनी होगी, वैसी करनी होगी जैसे एक प्रशासनिक अधिकारी होता है। अब वो तरीका गया आपका कि एकदम चेयर में बैठे हो, फैल के बैठे हो, पैर हिल रहे हैं, हाथ कांप रहे हैं, बाल तेरे नाम राधे, ये सब जमाना गया अब आपका, एकदम क्लीन शेव, एकदम प्रोफेशनल इंसान, जैसे प्रोफेशनल होते हैं वैसा बनिए। आपके चेहरे में वो रौनक होनी चाहिए, आपकी आंखों में वो तेज होना चाहिए, आपकी बातों में वो वजन होनी चाहिए, आपकी पढ़ाई में वो बात होनी चाहिए जो एक अधिकारी के अंदर होती है। हर कोचिंग आने वाला व्यक्ति एग्जाम नहीं निकालता। देखिए पहली क्लास है, बकवास तो करूंगा, आपको वो समझाऊंगा जरूर, आप कहीं भी पढ़िए उसे मतलब नहीं है, लेकिन वो चीज जो आपके लिए जरूरी है वो आप जरूर जाने कि एक प्रशासनिक अधिकारी कैसा होता है, उसे आप देखें, उसे आप ऑब्जर्व करें, उसके जैसा बनने की कोशिश करें। भले आज आप बड़े आदमी नहीं हो, लेकिन बड़े आदमी जैसा दिख तो सकते हो, कि वो भी नहीं दिखोगे, दिख सकते हो ना? जैसे मैडम को ठंडी लग रही थी, लेकिन इन्होंने कहा नहीं, इन्होंने बर्दाश्त किया। बर्दाश्त नहीं करना, गलत चीज हो रही है, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करना भाई। अगर सामने वाला रिश्वत ले रहा है, दे रहा है, जैसा भी कुछ चीजें हो रही है, अगर आपको लगता है कि अगर वो गलत है, कोई भी चीज अगर आपको लगता है गलत है, तो बिल्कुल बर्दाश्त मत करना। लाइफ में बर्दाश्त करोगे तो बहुत बर्दाश्त करना पड़ेगा। इन्होंने ओढ़ लिया, अरे जैकेट वैकेट होता तो वो भी पहन लेती, एकदम मफलर तो सब पूरा बांध लेती, तो ऐसा नहीं होता ना। अगर आपको लग रही ठंडी, तो आप अपने बारे में सोचो, किसी और को गर्मी लग रही उसके बारे में मत सोचो, सबसे पहले आप हो। आप ठीक रहोगे तो आपसे आपका परिवार, आपके आसपास के लोग सब ठीक रहेंगे। बात समझ में आ रही? अपनी वैल्यू समझो। जैसे एक लीडर होता है ना, अगर लीडर खत्म हो जाए तो वो जो आंदोलन होता है वो रहेगा कि खत्म हो जाएगा? उस लीडर की वैल्यू समझो। अगर आप लीडर हो तो आप कोई एक आम इंसान नहीं हो, अब आप वो हो जिससे पूरा आंदोलन जुड़ा हुआ है। आप खत्म, आंदोलन खत्म। तो गांधी जी जेल में थे, तो क्या बोलते हैं, आमरण अनशन बैठे हुए थे, वो इतिहास में पढ़ लीजिएगा। तो वो स्थिति ऐसी थी कि अब वो अगर आमरण अनशन नहीं तोड़ा, अगर उन्होंने कुछ नहीं खाया तो वो मर जाएंगे। तो आंदोलन अपनी जगह पे, जान अपनी जगह पे, जान है तो जहान है। तो जब सबको लग रहा था कि मर जाएंगे, उन्होंने खाना शुरू कर दिया, बोला मैं तोड़ देता हूं आमरण अनशन। अरे जान है तो जहान है, तो वही कह रहा हूं, सारी चीज अपनी जगह। पढ़ाई, अगर पढ़ाई के बीच में कोई आएगा तो आप उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये होती है पढ़ाई का रुतबा। बात समझ में आ रही? अगर आप सच में एक अधिकारी बनना चाहते हैं, तो आपसे आप उस अधिकारी बनने के लिए जो भी सिलेबस है, जो भी चीजें पढ़नी है, वो आपको पढ़नी है, और उसके पढ़ने में कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। अगर ये सब सिलेबस आपके, ये सब चीजें आपके सिलेबस में, तो इसको पढ़ने समझने में कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी, इकोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कुछ भी हो, उसे कोई नहीं फर्क पड़ता। अगर आपके सिलेबस का हिस्सा है तो आप उसे पूरे अटेंशन के साथ पढ़ेंगे, और इतने बेहतर तरीके से पढ़ेंगे कि दोबारा उसे ज्यादा पढ़ने की जरूरत, कि बार बार पढ़ना चाहते हैं, रिविजन तो करना पड़ेगा, लेकिन पढ़ के भूल जाना, फिर पढ़ना, फिर भूल जाना, ये नहीं करना है। आपने कोई चीज को पढ़ा है तो उसे बार बार रिविजन करें, उसे बनाए रखें, और ऐसे ही पढ़ते जाए, और अपने नॉलेज को बेहतर करते जाए, और पूरे सिलेबस को तैयार करें, ताकि आप न केवल प्री के लिए बल्कि मेंस के लिए, और पर्सनैलिटी ऐसा रखें कि आप इंटरव्यू के लिए भी आपके लिए फायदा हो। समझ में? अगर आप इंटरव्यू में इस तरीके से बैठेंगे,
कई लोग पीछे पैर बांध देते हैं, और बाहर में जब खड़े होने बोला जाए तो पैर ही नहीं खुल रहा होता है। अरे रुको सर, पैर खुलने तो दो पहले। तो ये सब क्या है, तो समझना होगा आपको, ठीक है, कि आप किस लेवल की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आप छोटे मोटे एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप एक बड़े स्टेट का सबसे बड़ा एग्जाम CGPSC इसकी तैयारी कर रहे हैं। और सबका सपना होता है डिप्टी कलेक्टर बनने का, लेकिन हर कोई बनता नहीं है। अब वो बनेगा जो डिजर्व करता है। अब आप बताइए, आप डिजर्व करते हैं? देखिए, आपको खुद ही को नहीं पता कि आप उस पोस्ट के डिजर्व करते हैं। अरे मैं कहता हूं कि आप डिजर्व करते हैं। आपको लगता है कि आप बनेंगे? देखो अभी भी कुछ नहीं बोलना है भैया, आप डिजर्व करते हैं एक बार में, हा या ना? हा करते, इधर पीछे करते, तो वो सारी चीज करेंगे जो एक प्रशासनिक अधिकारी होने के नाते, तैयारी करने के नाते जो आपको करना चाहिए, या वो सारी चीज जो मैं आपसे कहूंगा करने के लिए वो करेंगे? बिल्कुल। कहीं भी रहे, कहीं भी पढ़े, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो सारी चीज आप जरूर करें जो आपको अपनी तैयारी के दौरान करनी चाहिए। बोलते ना, अपनी तैयारी के दौरान मैंने वो सब कुछ किया जो मुझे करना चाहिए था, इसीलिए तो मैं एक आज डिप्टी कलेक्टर। कई लोग कहते हैं ना, सफल लोग कहते हैं ना, मेरी सिलेक्शन के पीछे ये था तो वो था, तो मैंने अपनी तैयारी ऐसे की, तो मैं रात रात को जाग जाके पढ़ाई करता था, तो कई दिन तो मैं खाना नहीं खाता था, मैं खाना खाना ही भूल जाता था क्योंकि मैं पढ़ाई कर रहा होता हूँ, खाने का भी होश नहीं मुझे, मेरे दिन मेरे जहन पे सिर्फ ऐसे पढ़ाई का भूत सवार था कि मुझे पढ़ना है, मुझे डिप्टी कलेक्टर बनना है, ये सब तो सुना होगा ना लोगों के मुंह से। तो जब उनको बनने के लिए ये सब करना पड़ा, तो आप कौन से खेत के हो, आपको भी तो वही करना पड़ेगा ना, तो आपको भी वही मेहनत करनी पड़ेगी। कई रातों को जागना होगा, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आप खाना ना खाओ, या कई बार हॉस्टल में रह रहे हो, मन ही नहीं कर रहा खाना खाने का, या फिर और भी कई वजह से, ठीक है। तो आप पढ़ाई को करो बस, खाना मिल रहा है नहीं मिल रहा उससे मतलब नहीं, दोस्त बात कर रहे नहीं कर रहे कोई मतलब नहीं, घर मुझे जाना पड़ रहा है नहीं जाना पड़ रहा उससे कोई मतलब नहीं, बस एक चीज पे टारगेट, और वो है आपकी पढ़ाई। घर वाले बुला रहे हैं, एक आपको पता है घर जाने पर वो एक दिन का लॉस नहीं होता, वो जाने से पहले, जाने के बाद, और कई दिन, दो तीन दिन तक और लॉस हो जाता है। घर जाने पर तो बिल्कुल पढ़ाई होती नहीं है। अगर आप घर जाके बोलते हैं कि मैं पढ़ाई कर लूंगा, तो वहां पढ़ाई नहीं होती। तो घर जाना और ना पढ़ना ये सही है कि यही रह के पढ़ लेना वो सही है? तो बहुत सारी चीजें ऐसे लाइफ में करनी पड़ेगी आपको। रक्षाबंधन में आप जाओगे, एक दो दिन, दो दिन, तीन दिन बर्बाद होगा आपको, तो जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? बोले तेरा भाई डिप्टी कलेक्टर बन जाएगा ना, डेली तेरे को, तेरे से राखी बंधवाएगा, आज माफ कर दे मेरे को क्योंकि तीन दिन बर्बाद हो जाएगा मेरा। क्यों? क्योंकि आज मैं तीन दिन नहीं पढ़ाऊंगा, कोई और पढ़ूंगा, कोई और है जिसको डिप्टी कलेक्टर बनना है, वो पढ़ाई कर रहा होगा, वो नहीं जा रहा रक्षाबंधन में, और मैं चले जाऊं तो मेरा तीन दिन नुकसान, और वो मुझसे तीन दिन ज्यादा पढ़ाई कर लेगा। अगर वो 8-10 घंटा पढ़ाई कर रहा है तो 30 घंटा वो मुझसे ज्यादा पढ़ लेगा, सिर्फ इसलिए ताकि मैं राखी बंधवाने के लिए गया था। बात समझ में? ऐसे हर पल पल में आपका इम्तिहान है, आपको हर जगह फेस करना पड़ेगा अपने आप को, हर जगह चुनौतियां हैं। बात समझ में? तो अगर आपने अपनी लाइफ को समझा और उस मंजिल को समझा जिस तक आप पहुंचना चाहते हैं, तो कुछ है। इंसान सपने जरूर देखता है, लेकिन सपने को पूरा करने के लिए जो मेहनत करनी पड़ती है ना, अक्सर वो इंसान करना भूल जाता है। सपने देखना आसान है ना, हर कोई सपना देखता है, लेकिन सपने पूरा करने के लिए जो मेहनत है ना, उस पर कोई बात नहीं करता, उस पर कोई बात ही नहीं करता। तो अगर आप सच में मेहनत करना चाहते हैं, तो आप समझें अपनी लाइफ की वैल्यू। बार बार जिंदगी मिलती है क्या? जैसे कई लोग एक्सीडेंट करवा के हड्डी तोड़वा लेते हैं, वो हड्डी दोबारा मिलेगी क्या वैसी वाली? वो तो टूट गई ना, अब तो जो होगी वो जुड़ी वाली होगी, पेन होगा वहां पे, रॉड लगे होंगे वहां पे, वो हो गया ना अननेचुरल, वो हो गया आर्टिफिशियल, अब वो हड्डी आपकी एक्चुअल हड्डी नहीं है। तो जब जिंदगी एक बार मिली है, तो हड्डी तोड़वा के लगड़ा के चलने से अच्छा आप गाड़ी स्लो चलाए ताकि एक्सीडेंट ना हो, आपका सही सलामत हड्डी रहे, और जिंदगी एक बार मिली है, अगर आप डिप्टी कलेक्टर बन जाएंगे तो ये बहुत बड़ी बात होगी आपके लिए, बजाय इसके कि कहीं पे छोटी मोटी नौकरी करें, या बजाय छोटी मोटी दुकानें खोले, या फिर जो भी आपको लगता है कि कुछ छोटा हो रहा है मेरे साथ। तो आपके पास मौके थे बड़े करने के, लेकिन आपने उस मौके को समझा नहीं, आपने उस मौके को जाना नहीं, आपने वो किया जो आपको अच्छा लग रहा था, अब वो करो जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है। बोलते हैं ना कि वो जो इंजीनियरिंग के 4 साल पढ़ ले, नहीं तो आने वाले 40 साल, समझ रहे हो? ये जो 2 साल है आपका, इसमें आप मेहनत कर लो ताकि आने वाले 40 साल आपके कैसे हो, अच्छे हो। और अभी के 2 साल खूब इंजॉय कर लो, और आने के 40 साल सफर करो। अच्छा कौन सा? आज की खुशी की आज की मेहनत।
आज की मेहनत। तो आज से एक प्रण ले आप कि मुझे आने वाले 1.5 साल, 1 से 1.5 साल, 6 महीने की तैयारी है हमारी। 6 महीने 8 महीने में हम आपका प्री तैयार करवा देंगे। सिर्फ प्री से कुछ नहीं होता, प्री के बाद आपको क्या भी पढ़ना पड़ेगा, मेंस भी पढ़ना पड़ेगा। ये पढ़ना पड़ेगा, ये स्टेप बाय स्टेप है, ये प्री फिर मेंस, ये दो चीज आपको करनी पड़ेगी, तब आप इस एग्जाम के लिए तैयार हो। तो 6 महीने का प्री और 6 महीने का मेंस, 1 साल 1.5 साल 1.5 साल आपको आपकी तैयारी में लगेंगे। 1.5 साल के बाद आप ऐसे हो जाओगे जैसे कि एक विद्यार्थी जो एग्जाम देने के लिए आप क्या बोलता है अपने आपको कि मैं तैयार हूँ। अभी आप तैयार नहीं हो एग्जाम के लिए, अभी आपको तैयार किया जाएगा। आप प्री पढ़ेंगे, आप मेंस पढ़ेंगे, आप आंसर राइटिंग करेंगे, सब कुछ करेंगे। और 1 से 1.5 साल के बाद आप बोलोगे हाँ अब मैं तैयार हूँ एग्जाम देने के लिए। फिर आप एग्जाम में जाएंगे, एग्जाम लिखेंगे और पास होंगे, इंटरव्यू के बाद आप डिप्टी कलेक्टर बनेंगे। तो 1.5 से 2 साल की मेहनत और उसके बाद आपकी पूरी जिंदगी ऐशो आराम से। कहते हैं कि अगर आप डिप्टी कलेक्टर बन जाते हैं तो आने वाली कई पीढ़ियां आपकी क्या करेगी, एंजॉय करेगी। समझ आ रहा है, कई पीढ़ियां, क्योंकि आपने उतनी संपत्ति बना लेनी है कि आने वाली कई पीढ़ियों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आज हम मिडिल क्लास के लोग हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि हम मिडिल क्लास के लोगों को भी एक उम्मीद होती है कि वो अपर क्लास का बने? एक सपना होता है कि हम मिडिल क्लास के, हमने छोटी छोटी चीजों के लिए तरसना देखा है, या अपने घर वालों को या पिताजी को छोटी छोटी चीज, यार आपको वो जूता पहना है बोल के वो खुद चप्पल पहन के रहते हैं, ऐसा दिन देखा है कभी? अगर मतलब अगर घर अच्छे परिवार से तो मैं वो नहीं कह रहा हूं, लेकिन अगर आपने सब चीज देखा है तो आपके पास एक मौका है जो आप अपनी दुनिया, अपने आसपास की दुनिया बदल सकते हो, उनको एक बेहतर जिंदगी दे सकते हो, अपने आप को बेहतर जिंदगी दे सकते हो, अपने आने वाली जनरेशन को बेहतर जिंदगी दे सकते हो। सिर्फ एक मौका, सिर्फ एक मौका। बात समझ में आ रही है? और उस एक मौके में अगर आपने लापरवाही की तो उस एक मौके को भी आप गवा दोगे। याद रखना, अपने आप को बेहतर बनाने का, अपने आप को बड़ा बनाने का, अपने आप को कामयाब बनाने का, अपने आप को, अपनी जनरेशन बदलने का आपके पास सिर्फ एक मौका है। अगर इस मौके में, बहुत सारे लोग हर साल डिप्टी कलेक्टर लोग बनते हैं, 10 से 15 लोग डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट होती है और डीएसपी की 10 से 15 पोस्ट होती है, 30 लोग अपने अपर पोस्ट डीसी और डीएसपी बनते हैं, 30 लोग हर साल, उसमें से एक आप हो सकते हो कि नहीं हो सकते। बस ये आपके ऊपर है कि आपकी तैयारी वैसी है तो ठीक, और नहीं है तो फिर खुश हो। एक जुनून चाहिए, एक जज्बा चाहिए कि मुझे करना है, बाकी तो फिर भगवान के ऊपर छोड़ दो। आप अपनी मेहनत करो, कर्म करो और किसकी चिंता मत करो। ठीक, तो लाइफ में बहुत सारी चीजें, क्या ये सब बातें करें, पढ़ने वाली चीजों में सब बातें उतनी इफेक्टिव नहीं रहती। अगर आपको लगता है, अगर आपको खुद को लगता है तो ये सब बात मायने रखती है, अगर आपको नहीं लगता तो वो एक कान से सुनना होता है और दूसरा कान से निकालना होता है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। बात समझ में आ रही? तो अगर आपने मेरी बातों को सुना, न केवल सुना बल्कि समझा, और न केवल समझा बल्कि उसे अपने लाइफ में बनाए रखा और अपनी लाइफ में कुछ बदलाव किया तो बेहतर है। और वही अगर ये सब बातें सुनने के बाद शाम को या अभी क्लास से निकल रहे, चल या मूवी देख के आते हैं, कौन सी मूवी लगी, चल 3 घंटा ऐसी मूवी में बर्बाद कर सकते हो और मेरी बातों को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते अपनी लाइफ में, तो फिर आने वाली जिंदगी के लिए आप ही जिम्मेदार रहेंगे। बात समझ आई? और आपको ये भी बता दूं कि किसी के सफलता और असफलता के पीछे अगर कोई होता है तो वो हो खुद आप। क्यों? क्योंकि जो सिलेबस होता है ना वो बहुत बड़ा होता है, जो आप अकेले नहीं कर सकते, इसलिए टीचर होता है आपको पढ़ाने के लिए, जो आपके 50% की मेहनत आपकी वो खुद करता है और 50% की मेहनत जो आपको करनी होती है, मतलब 100% की मेहनत में 50% की मेहनत आप कोचिंग आकर टीचर के ऊपर दे देते हो कि सर आप पढ़ा दीजिए हमें और बाकी हम पढ़ लेंगे, तो 50% की मेहनत हम आप पे करते हैं और 50% की मेहनत आप मुझ पे, अबे अपने आप पे करोगे, तो 50% की मेहनत मैं आप पे यानी टीचर आप पे और 50% की मेहनत आप अपने आप पे करते हो, तब जाकर होती है 100% की मेहनत। क्लियर? करेंगे ऐसा, ये 100% की मेहनत पूरी करेंगे। अब अकेले आपको बोला जाए तो जो टीचर पढ़ा रहा है उसको पढ़ने में आपको कितना समय लगेगा? बहुत टाइम लगेगा, तो वो क्यों करना? हमें कोई पढ़ा दे और फिर हम समझ ले, पढ़ ले, वो ज्यादा अच्छा है कि हम ही पढ़ने बैठ जाए
समझने बैठ जाए किसी किताब को वो ज्यादा अच्छा। आप किताब नहीं पढ़ सकते इसलिए आप टीचर को पढ़ लो। किताब बहुत मोटी होती है, बहुत सारी चीजें होती है, सब नहीं पढ़ना होता है। किताब पढ़ने बैठूंगा तो लोग मुझसे आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि अगर मैं बोलूं कि 3 घंटे का 3 इडियट की मूवी है और उसी को अगर मैं नॉवेल दे दूं, बोलूं 3 इडियट का नॉवेल पढ़ लो, डिफरेंस समझ। किताब पढ़ने में कई दिन लग जाएंगे और वही पूरी चीजों को अगर मैं मूवी में देख लूं तो मुझे सिवाय 3 घंटे ज्यादा नहीं लगने वाले। तो मैं 3 घंटा देने वाला बनूं कि 3 दिन नॉवेल पढ़ने वाला बनूं, और वो नॉवेल पढ़ने के बाद भी गारंटी नहीं कि मेरा मेरे को समझ में आया कि नहीं आया, लेकिन मूवी देखने के बाद मेरी पूरी गारंटी कि मुझे सब समझ में आ गया। बात समझ में आ रही कि वो 3 घंटे मूवी में क्या बताना चाह रहा है वो सब कुछ समझ में आ गया, लेकिन नॉवेल पढ़ने पर मुझे अभी भी लग रहा है कि मेरा पूरा क्लियर नहीं है। अच्छा क्या है फिर नॉवेल, खुद पढ़ना कि टीचर को पढ़ना? बस वही तो कह रहा हूं, पढ़ो ना यार, टीचर को पढ़ो ना, कौन मना कर रहा है। और उसमें भी वो पूरा टेंशन नहीं दिखेगा तो कैसे चलेगा? बात समझ में आ रही। अगर आपको लगता है कि आप मैं सिर्फ पढ़ा दूं और चले जाऊं, तो समझो कि ऐसा टीचर बिल्कुल उम्मीद मत करना कि ऐसा टीचर हो। अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपसे पूछूंगा भी कि आपको कितना समझ में आया, और आप पे सवाल भी होंगे और आपको जवाब भी देने होंगे, ये देने होंगे, ऐसा करना चाहिए। अगर आपको लगता है सिर्फ मैं आऊं पढ़ाऊं जाऊं, ऐसे टीचर चाहिए क्या आपको? वो आपसे कुछ पूछे कि नहीं पूछे? पूछे ना, बस खत्म करिए। चलिए आइए, तो यहां पर मैं समझा ये रहा था कि हमारे सिलेबस में वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं है, बजाय उसके कुछ चीजें हैं जिसके लिए हमको वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ना पड़ेगा। सिर्फ इस चैप्टर के लिए, बहुत सारे चैप्टर के लिए हमें वर्ल्ड ज्योग्राफी के कई सारे टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा। जैसे यहां पर मुझे 2 रेखाएं दिख रही है, अक्षांश और देशांतर रेखाएं, यहां ये क्या कहती है, क्या है, इसके बारे में जानने के लिए हमें पृथ्वी का वर्ल्ड ज्योग्राफी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो पृथ्वी का अक्षांश और पृथ्वी देशांतर, ये 2 चैप्टर पढ़ने के बाद हम शुरू करेंगे क्या, भारत की अवस्थिति और विस्तार। तो मुझे 2 दिन देंगे आप इस चैप्टर के लिए, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड समझने के लिए, और उसके बाद हम अपने पहले चैप्टर को शुरू करेंगे। ओके, चलिए। अब यहां पर जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि भारत का दक्षिणी बिंदु किस अक्षांश पे, बोलिए 8°4' उत्तरी अक्षांश, और भारत का उत्तरी बिंदु किस अक्षांश पे, 37°6' उत्तरी अक्षांश। बात समझ में आ रही? दोनों में क्या लिखा हूं मैं, जबकि होना क्या चाहिए था, उत्तर में उत्तरी अक्षांश और दक्षिण में। बात समझ में आ रही? लेकिन फिर भी मैंने क्या लिखा है, दक्षिण में। क्यों, क्यों ऐसा लिखा मैंने, इसी चीज को जानने के लिए तो हम क्या पढ़ रहे हैं। बात समझ में आ रही, छोटी छोटी चीज समझ में आ रही, कि वो जो बेसिक चीज है इसी को समझने के लिए हम क्या पढ़ रहे हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी, ताकि मैं पूरी तरह से अक्षांश को समझ लूं, पूरी तरह से देशांतर समझ लूं। छत्तीसगढ़ में भी जब आप पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ का भूगोल, तो उसमें पहला चैप्टर क्या होगा, छत्तीसगढ़ की अवस्थिति विस्तार, वहां पर भी आपको अक्षांश देशांतर पढ़ने मिलेगा, लेकिन वहां पर भी आपको यह समझना होगा कि अक्षांश क्या है। और छत्तीसगढ़ के टीचर भले इसको डिटेल में ना पढ़ाए, लेकिन भारत के भूगोल वाले टीचर आपको इसको डिटेल में पढ़ाएंगे, ताकि आपको कहीं पर भी ये क्लियर डाउट ना रहे कि अक्षांश क्या है और देशांतर क्या। कोचिंग एक बार की जाती है, उसे एक बार के कोचिंग में आप इतने अच्छे से पढ़ लो कि दोबारा कहीं किसी कोचिंग में जाने की या दोबारा किसी टीचर से पढ़ने की जरूरत ना पड़े आपको। बात समझ में आई? और 2 टाइप के विद्यार्थी होते हैं, आप देखिए उसमें से आप क्या हो, एक एग्जाम देने वाला और एग्जाम निकालने वाला, आप दोनों में कौन से विद्यार्थी हो, जल्दी बताइए। निकालने वाले विद्यार्थी चेहरे में स्माइल होती है, आपके चेहरे में है। निकालने वाले विद्यार्थी हर एक टॉपिक को जो मैं पढ़ा रहा हूं वो अपनी कॉपी में लिख रहा है, आप लिख रहे हाँ। तो आगे मैं बताता रहूंगा कि निकालने वाले विद्यार्थियों में क्या क्या क्वालिटी होती है। बात समझ में आ रही? हाँ, तो अब देख लेता हूं मैं, निकालने वाले हो कि देने वाले हो, ठीक। हाँ चलिए, हुई ना बात। चलिए अब हेडिंग डालिएगा, पृथ्वी का अक्षांश, हेडिंग डालिएगा पृथ्वी का अक्षांश। अब देखिए, अगर मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि अक्षांश क्या है, तो बताइए अक्षांश एक प्रकार का क्या है, बता दीजिए जल्दी से। अब तक क्या लग रहा है, अक्षांश एक प्रकार की क्या बोल रहे थे आप, काल्पनिक रेखा, ऐसा बोलने वाली बात है। एक्चुअल में अक्षांश क्या है, एक प्रकार का कोण, कोण समझते हैं? अरे 10° कोण, 20° कोण, न्यून कोण, अधिक कोण, सम कोण, ये सब पढ़े ही नहीं पढ़े। तो अक्षांश एक प्रकार का क्या है, जिसे किससे इंडिकेट करते हैं, फाई, फाई समझते हैं, गोला बना के काट देना, उसको क्या बोलते हैं, फाई। लिख रहे हो सब, लिखना है। एक एग्जाम निकालने वाला विद्यार्थी जो है वो प्रॉपर जो बोर्ड में पढ़ाया जाता है वो लिखता है,
और आपको एक बात बता दूं, मैं बोर्ड पे क्यों लिख रहा हूं सोचो, ताकि आप अपनी कॉपी में लिख सको। नहीं, अरे मैं बोर्ड पे इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप कॉपी में लिख सको, ठीक है? और जैसे बोर्ड पे लिखते जाओ कॉपी में लिखते जाना, है ना, और आपका नोट्स बनता रहेगा। इसके अलावा मैं आपको नोट्स दूंगा। चलिए, पृथ्वी का अक्षांश में अक्षांश क्या है जल्दी बताइए। अभी आज पहला दिन है तो मैं थोड़ा स्लो रहूंगा, जल्दी भागूंगा नहीं, मुझे क्या जल्दी है। और आपको भी कौन सी जल्दी एग्जाम देना है? कुछ आपको तो अगले साल का एग्जाम देना है, ठीक है? अगले साल के एग्जाम के लिए आपको अभी बहुत टाइम है। अक्षांश एक प्रकार का क्या है जिसे किससे इंडिकेट करते हैं, ये भी हो गया। अब अक्षांश की अगर परिभाषा बोलूं तो परिभाषा क्या बताएंगे? देखिए, समझिएगा, ये पृथ्वी हो गई और ये सेंटर में खींची गई क्या, तो बता दीजिएगा इसको क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा। क्या बोलते हैं इसी को, सुना है कभी, विषुवत रेखा? इसी विषुवत रेखा को ही क्या बोलते हैं, तो बता दीजिएगा, भूमध्य रेखा। और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, तो बता दीजिएगा, इक्वेटर। क्या बोलते हैं? तो पृथ्वी के सेंटर पे खींची हुई लाइन, पृथ्वी के सेंटर पे खींची हुई लाइन क्या कहलाती है, जल्दी बोल दीजिए। तीनों नाम बता दीजिए, इंग्लिश वाला भी और दो हिंदी वाला भी, जल्दी बताइए। बोलना पड़ेगा यार, बोलो ना, मजा आता है बोल के पढ़ने में, पता है? ऐसे खामोश रह के पढ़ने से कोई मतलब नहीं। खामोश रह के पढ़ने में क्या होता है कि आप समझे कि नहीं समझे इसकी कोई गारंटी नहीं होती। लेकिन कौन सा, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, विषुवत, और ये हो गया इक्वेटर। ये देखो, अब बोले विषुवत रेखा पर बोलो, अब कभी बोलोगे क्या, क्योंकि आपने एक बार बोल दिया है। अब भूमध्य रेखा बोलो एक बार, अब कभी बोलोगे क्या, भूमध्य रेखा बोलोगे क्या? अब बोलो इक्वेटर, बोलोगे क्या, क्या कभी इक्वेटर, बात खत्म। तो एक बार बोलने से चीजें बहुत ज्यादा स्पष्ट हो जाती है, बजाय कि आप खामोश रहने से, समझे? एक विद्यार्थी कैसा होता है, क्यूरियस होता है। क्यूरियस मतलब जिज्ञासु, यानी जानने की इच्छा रखने वाला। क्या आपके अंदर वो इच्छा है जानने की किसी चीज को? हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज को जानने की इच्छा है? बिल्कुल, होनी भी चाहिए, तब जाके आप क्या हो, विद्यार्थी। अगर विद्यार्थी, जैसे कोई टीचर ABCD बता रहा है, तो आप उसके आगे भी जानने की इच्छा करो, मतलब उसने इतना बताया, आप उसके एक कदम और आगे जाने की इच्छा रखो। बात समझ में आ रही है? तो पृथ्वी के सेंटर में जो लाइन खींची जाती है उसको क्या बोलते हैं? और जो विषुवत रेखा, मैं आपको डायरेक्टली, मैं सिर्फ किस शब्द का इस्तेमाल करूंगा इसमें, मैं विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा नहीं बोलूंगा, मैं सीधा क्या बोलूंगा, इक्वेटर, क्योंकि मैं यही बोलते आ रहा हूं और मुझे यही अच्छा लगता है। आपको पता रहना चाहिए बाकी क्या। तो विषुवत रेखा जो है या इक्वेटर जो है, वो पृथ्वी कितने भागों में बांट रही है, आधा। अब पृथ्वी कैसी है हमारी, अगर गोले को आधा कर दूं तो वो आधा गोला क्या कहलाता है? अब सब अपने में राय देंगे और उसमें से एक सही होगा, है ना? चलो बोलो, अर्धवृत्त। वृत्त समझते हैं, वृत्त का मतलब होता है एक सर्कल, है ना? एक ऐसी रस्सी जिसे मैंने ऐसा एक से दूसरे से मैंने चिपका दिया, है ना, तो वो क्या बन गया, वृत्त। एक लाइन जो थी उसको मैंने ऐसा घुमा के मिला दिया, है ना। वृत्त एक काल्पनिक रेखा है, मतलब एक लाइन है, मतलब एक खिंची हुई। और गोला जो है वो एक रिजिड बॉडी है। पृथ्वी क्या एक, वृत्त है बस, कि वो गोला है। अरे एक बॉल की बात कर रहा, बॉल अलग होता है, और क्या बोर्ड पे ये बना रहा है, त्रिभुज अलग है, सर्कल अलग है, लाइन अलग है, चतुर्भुज, ये क्या है, ये सब ज्योमेट्री क्या है, ये सब लाइनें हैं, ये रिजिड बॉडी नहीं है। बात समझ में आ रही? पृथ्वी क्या है, कोई गोल, ये क्या है, एक सर्कल, एक नहीं, ये एक रिजिड बॉडी, एक गोला है। बात समझ में आ रही? तो अर्धवृत्त, वृत्त ये सब नहीं बोलना, वृत्त अलग चीज हो जाती है। यहाँ गोले, गोले को जब मैं आधा करूंगा तो आधे गोले क्या बोलूंगा, जल्दी बताओ, अर्ध गोला, सॉलिड हेमिस्फीयर, हिंदी में क्या बोलेंगे, बिल्कुल। अरे गोले का आधा, अरे गोले का आधा गोलार्ध,
आपने सही कहा हेमिस्फीयर, लेकिन अगर आपको इंग्लिश पता था तो हिंदी क्यों नहीं पता था, समझ रहे बात? हम इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम? इंग्लिश मीडियम, अच्छा पूरा इंग्लिश मीडियम है, तो आप हिंदी समझ में आ रही थी? टर्मिनोलॉजी को मैं बता दूंगा, बाकी समझ लो आप, बाकी हिंदी मीडियम, मैंने मीडियम तो पूछे ही नहीं, सब एक को छोड़ के सब हिंदी मीडियम। हाँ अरे आप इंग्लिश वाले हो क्या? अच्छा, और इधर यश और केशर, हिंदी की इंग्लिश मैसेज करिए। अरे वाह, यश भी इंग्लिश और केसर मैसेज करिए। चलिए तो टर्मिनोलॉजी में बता दूंगा, बाकी समझ में आ रहे हैं कंसेप्ट, समझ में आ रहे हैं? तो जब गोले का आधा करेंगे तो उसको क्या बोलते हैं? गोलार्ध यानी हेमिस्फीयर। इसके अलावा अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो ये नॉर्थ होता है और ये साउथ, ये ईस्ट होता है और ये, तो ये जो दो गोले बटे हैं, आधे गोले जो हेमिस्फीयर बटे हैं, वो कौन से दो गोले हैं? पूरा पश्चिम के गोले हैं कि उत्तर दक्षिण के गोले? अरे यार ये दो कौन से हिस्से हैं, ऊपर वाला अलग और नीचे वाला, तो एक हो गया कौन सा गोलार्ध और ये कौन सा गोलार्ध हो गया? दक्षिणी गोलार्ध हो गया। ये बात समझ में आ रही है? चल तो यहां पे ये समझ में आ रहा है कि विषुवत रेखा यानी कि इक्वेटर जो है पृथ्वी को दो गोलार्धों में बांटती है, एक उत्तरी गोलार्ध और एक। अब परिभाषा क्या है पृथ्वी के अक्षांश की, परिभाषा क्या है कि विषुवत रेखा से, लिख लीजिएगा जल्दी जल्दी लिखिएगा, विषुवत रेखा से उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, विषुवत रेखा से उत्तरी गोलार्ध या दक्षिणी गोलार्ध के किसी भी बिंदु, किसी भी बिंदु के बीच मापी गई कोणीय दूरी, मापी गई कोणीय दूरी क्या कहलाती है? अक्षांश कहलाती है। अभी ये लाइन समझ में नहीं आया, अभी समझ में आएगा बाद में। ये कोणीय दूरी जिसको एंगुलर डिस्टेंस कहते हैं, सब क्या है सब बाद में बताऊंगा आपको। क्या बताएंगे? बोलिए, विषुवत रेखा से, विषुवत रेखा से उत्तरी गोलार्ध या दक्षिणी गोलार्ध के किसी भी बिंदु के बीच मापी गई कोणीय दूरी को क्या बोलते हैं? अक्षांश बोलते हैं। ये लिख लीजिए, बाकी समझ में आ जाएगा। अब देखिए, और जहां ये मैंने कहा कि ये अक्षांश एक प्रकार का क्या है, कोण है, जिसे किससे इंडिकेट कर रहे हैं, ये जो कोण है, ये कोण जो बनेगा कहां से बनेगा, तो बता देना पृथ्वी के केंद्र से। कहां से बनेगा? पृथ्वी के केंद्र, केंद्र से मतलब पृथ्वी का जो केंद्र होता है, सेंटर पॉइंट होता है, वहां से आपको क्या बनाना है, वहां से कोण बनाना है। ठीक, चलिए। इसके अलावा मेरा आपसे सवाल कि ये जो विषुवत रेखा है, ये सच में एक रेखा है, ये सच में एक रेखा है? थोड़ा सा एनालिटिकल है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, समझिएगा। जिसे मैं पृथ्वी के सेंटर पे खींच रहा हूं, क्या ये सच में एक रेखा है? नहीं, क्यों, क्या है वो? नहीं, काल्पनिक रेखा है, वो नहीं बोल रहा हूं मैं, कह रहा हूं कि ये रेखा है या कुछ और है? क्या ये वृत्त है? विषुवत रेखा क्या रेखा है या वृत्त है? लाइन है कि सर्कल है? सर्कल। अच्छा, आप क्या देख पा रहे हैं? आपकी नजर देख पा रही है वो चीज को? गोला नहीं, पृथ्वी क्या विषुवत रेखा जो है वो रेखा लाइन है या सर्कल है? सर्कल। इधर हाँ, अगर मैं पूछ रहा हूं कि ये रेखा या सर्कल है, तो ऑब्वियसली बात है कोई ना कोई तो बात होगी। अगर नहीं होता कुछ और, तो मैं बोलता कि ये विषुवत रेखा है, लेकिन कुछ और है, इसलिए तो पूछ रहा हूं क्या ये रेखा ही है कि कुछ और भी है, और मैं लिख भी दिया हूं, उसके बावजूद भी नहीं बता रहे हो। अरे यार एक बात बताइए, क्या ये पृथ्वी जो है ये पूरी पृथ्वी है? जो पृथ्वी को देख रहे हो, ये जो गोला मैंने बनाया, ये पृथ्वी है? क्या ये पृथ्वी पूरी पृथ्वी है? क्योंकि जब भी किसी भी गोले को देखोगे, सिर्फ एक पक्ष को देखते हो, दूसरा पक्ष नहीं दिखाई देता, सिर्फ सामने का ये दिखाई देगा, पीछे का दिखाई
तो ये आपके लिए पूरी पृथ्वी नहीं है, ये आधी पृथ्वी है, बाकी बची आधी पृथ्वी कहां पर है? पीछे। ये तो बात समझ रहे? तो जिस विषुवत रेखा की बात कर रहा हूं, तो क्या ये विषुवत रेखा पूरी रेखा है? नहीं, क्योंकि आधी विषुवत रेखा भी कहां है? पीछे। तो सामने भी विषुवत रेखा है। और अब और समझिएगा, पृथ्वी क्या फ्लैट है कि गोल है? अब जब गोल पे लाइन खींचोगे तो लाइन सीधी खींच जाएगी, ऐसे खींच जाएगी, बात समझ में? और इसको क्या बोलेंगे? ये अगर ऐसा लाइन खींचा रहा है तो इसको क्या बोलते हैं? सेमी सर्कल। अरे एक बॉल को ऐसे करके खींचोगे तो सेमी सर्कल, और पीछे वाला भी लाइन है कि सर्कल है? सेमी सर्कल, सेमी सर्कल। अरे बॉल में सामने से ऐसा खींचो तो वो सेमी सर्कल हुआ, और पीछे से ऐसा खींचो तो वो भी सेमी सर्कल। तो जब दोनों सेमी सर्कल को मिला दिया जाए क्या बनेगा? सर्कल। तो विश्व देखा, अब देखिए नजरिया आपका, नजरिया आपका कि आप किस में देख रहे हो। आप अगर ग्लोब में देख रहे हो, आप अगर बोर्ड में देख रहे हो, आप किस में देख रहे हो बताओ? आप पढ़ाई किस में करते हो? अगर आपके पास ग्लोब है तो ग्लोब को आप आगे से भी देख सकते हो, और तो आपको यही विषुवत रेखा, विषुवत रेखा नहीं बल्कि क्या नजर आएगी? विषुवत वृत्त नजर आएगा। और अगर बोर्ड पे पढ़ रहे हो तो बोर्ड में ये सर्कल दिख रही है कि लाइन दिख रही है? तो यहां बोर्ड पे आप इसे क्या पढ़ोगे? विषुवत। नजरिया आपका कि आप किस में पढ़ रहे हो, बात समझ में आ रही? तो जिसे आप विषुवत रेखा बोल रहे हो वो बोर्ड पे रेखा है, लेकिन जब आप ग्लोब में देखोगे तो ग्लोब विषुवत वृत्त कहलाएगी ग्लोब में। और आपको बता दूं, आप बोर्ड पे पढ़ रहे हो तो क्या ये ऐसा फ्लैट ही है? नहीं, पृथ्वी तो हमारी कैसी है? वैसी जैसे ग्लोब में दिखती है। मतलब एक्चुअल में विषुवत क्या है? वृत्त है। एक्चुअल में विषुवत क्या है? वृत्त है। लेकिन हम उसे क्या लेकर पढ़ रहे हैं? रेखा पढ़ रहे हैं। ये भी बात समझ में आ रही? तो डिपेंड करता है कि आप किसको देख रहे हो। ग्लोब को देखोगे तो विषुवत वृत्त बोलोगे, बोर्ड में विषुवत रेखा बोलोगे, क्लियर? लेकिन एक्चुअल में वो क्या है? वृत्त। ठीक, अब देखिएगा, अब मुझे क्या करना है, मुझे क्या बनाना है? कोण। आपने पृथ्वी पर जितने भी क्या बनेगा, कोण बनेगा, उतने पृथ्वी पर क्या होंगे? क्योंकि कोण ही तो क्या है। अगर आप अक्षांश की बात करें तो नंबर ऑफ लैटिट्यूड कितने होंगे वो बताएगा कि नंबर ऑफ एंगल कितने बन रहे हैं। जितने कोण बनेंगे उतने क्या होंगे, और आपको कोण बनाना है कहां से? और जब पृथ्वी के केंद्र में जाने की बात आएगी तो कैसे जाओगे पृथ्वी केंद्र में? पृथ्वी के केंद्र में कैसे जाओगे? पृथ्वी के अंदर कैसे जाओगे? देखिए पृथ्वी, उसे केंद्र में कैसे जाओगे? पृथ्वी केंद्र को देखना है तो कैसे करोगे? अरे एप्पल के अंदर देखना है उसके बीज को तो काटोगे कि ऐसे बाहर से बीज दिखाई देगा? अगर एप्पल के अंदर का बीज देखना है तो काटोगे तभी तो बीज दिखेगा। तो मैंने पृथ्वी को क्या कर दिया? काट दिया। तो ये पृथ्वी को मैंने क्या कर दिया? अलग कर दिया। और इसको आपको ऐसे दिखा रहा हूं तो आपको समझ में ये आएगा कि ये पृथ्वी हो गई और ये केंद्र हो गया। सिंपल सी बात है। इमेजिन कर पा रहे है? इमेजिनेशन पावर कि इमेजिन ही नहीं हो रहा है सर, कहां से क्या काटा सा समझ में ही नहीं आ रहा है, कोई ऐसा तो नहीं कट रहा है, समझ में आ रहा है? हाँ, तो मैंने पृथ्वी को, अब ऐसे ही समझ लो ज्यादा अच्छा है बजाय मैं कि डायग्राम दिखाऊं वो दिखाऊं उससे अच्छा। मैंने बीच से काट दिया, ये अलग, ये इसको लेके चल रहा हूं, ये गोला केंद्र। लेकिन जो पृथ्वी पर जो विषुवत वृत्त था, जब बीच से कट जाएगी तो पीछे वाला विषुवत वृत्त रहेगा कि नहीं रहेगा? पीछे वाली विषुवत रेखा रहेगी, और वो विषुवत रेखा इस बिंदु से शुरू होगी, इस बिंदु पे खत्म हो रही होगी, ऐसे, बात समझ में आ रही? हाँ, तो ये एक बिंदु किसकी है? ये दोनों बिंदु किसकी है? विषुवत रेखा की, जो पीछे, आगे की पृथ्वी तो हट गई कटने के बाद, आगे की पृथ्वी तो हट गई, तो ये केंद्र हो गया और ये दोनों बिंदु विषुवत रेखा के। हाँ, या ना? अब देखिए मुझे क्या बनाना है, मुझे क्या बनाना है जिसके लिए ये कहां से शुरू होगा? पृथ्वी के, और ये जो दो लाइनें हैं, कोण बनाने के लिए मुझे कितनी लाइन चाहिए? उसमें से एक लाइन कंपल्सरी किसको टच करेगी? अरे क्या है, आप अगर ये देखिए पृथ्वी पर, तो आप केंद्र से पहली लाइन किसको टच करेंगे? सेंटर वाले विषुवत रेखा पे। बोल तो परिभाषा क्या बताया था? विषुवत रेखा से, विषुवत रेखा से उत्तरी गोलार्ध या दक्षिणी गोलार्ध में किसी भी बिंदु के बीच
मापी गई कोणीय दूरी, अभी समझे थोड़ा सा टाइम अभी। तो केंद्र से कोण बना रहे और पहली लाइन कहां पे, कंपलसरी कंपलसरी, ये बोलेंगे तो समझ में आएगा और नहीं बोल पा रहे तो मैं बोलूंगा तब रिपीट कर लें तो समझ में आ जाएगा। पहली लाइन कंपलसरी और दूसरी लाइन मैं कहां जा रहा हूं, विषुवत रेखा के ऊपर कौन सा गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध में मुझे जानना है कि इस बिंदु पर कितना डिग्री का कोण बन रहा है, बात समझ में आ रही। तो पता यह चला कि इस बिंदु पे कितने डिग्री कोण बन रहा है, 10 डिग्री का, बात समझ में आ रही। तो ये 10 डिग्री कोण बन गया। अब बात कोण, अब पृथ्वी के अंदर जाकर कभी कोण देख पाओगे, पृथ्वी के अंदर 10 डिग्री कोण बन रहा है ये जान पाओगे, आप कहां हो, अगर आपसे कोई पूछे कि आप कहां हो तो बता देना पृथ्वी के अंदर की बाहर, आप पृथ्वी के बाहर पृथ्वी की सतह पर हो, अगर कोई पूछे आप कहां हो मत बोलना मैं सर घर में हूं, घर के अंदर हूं और पृथ्वी के भी अंदर हूं, नहीं पृथ्वी के अंदर नहीं हो आप, पृथ्वी के बाहर उसकी सतह पर हो। तो अगर आप सतह पर हो तो सतह के कोण को ही देखोगे, तो जब कोण बनाई जाती है तो ये हो गया कोण और ये हो गया कोणीय, यहां से यहां तक इस कोण की, अरे ये कोण हो गया और ये हो गई उस कोण की कोणीय, जिसको एंगुलर डिस्टेंस कहते हैं। अब जब मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तब ये सब पढ़ते रहना कि एंगुलर डिस्टेंस क्या होता है वगैरह वगैरह पढ़े। तो मैं बोल रहा हूं कि इनकी कोणीय दूरी कितने डिग्री की होगी, जल्दी बताओ, उसको कंप्लीट करना है कल इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो ये हो गई कितने डिग्री की, 10 डिग्री की। अब अगर मैं इसको दूर कर दूं, बड़ा कर दूं, तो इसकी दूरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और ये कितने डिग्री की हो जाएगी, 10 से बढ़कर 20 डिग्री की, पीछे 20 डिग्री हो जाएगी, नहीं होगा, इधर हो जाएगी, हो जाएगी, हो जाएगी, हो जाएगी, कोणीय दूरी वही रहेगी, मैं दूरी बढ़ जाएगी वो नहीं कह रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं कोणीय दूरी पे क्या फर्क पड़ेगा। तो भैया ये यहां पर भी 10 डिग्री का है, यहां पर भी 10 डिग्री का और यहां पर भी ये, और मैं और आगे चला जाऊं तो भी ये कितना डिग्री का रहेगा, ऐसे थोड़ी ना कोण बदलता है, कोण तो यहां से बदलता है, वहां थोड़ी ना बदलेगा कोण। तो ये 10 डिग्री यहां पे भी रहेगा, 10 डिग्री यहां पर भी रहेगा, सोचिए पृथ्वी का क्या, यहां पे 8 डिग्री था क्या, यहां पे 4 डिग्री था क्या, यहां भी 10 डिग्री, इधर भी 10 डिग्री, ऐसे करते करते बाहर भी 10 डिग्री, बात समझ में आ रही। चलिए ये बात समझ में आ गई। अब इसके आगे टाइम कम है लेकिन यह टाइम खत्म हो गया है तो मैं ये समझा रहा हूं कि कोणीय दूरी कितनी ही रहेगी, अरे कितनी डिग्री कितनी ही रहेगी, 10। अब ये केंद्र से पहली लाइन विषुवत रेखा पे खींचा मैंने, दूसरी लाइन भी विषुवत रेखा पे खींचा, जब दोनों लाइन एक, अब ये देखिए अगर मैं एक लाइन खींच रहा हूं तो पृथ्वी पर, ये देखिए पृथ्वी पर केंद्र से अगर मैं विषुवत रेखा की ओर लाइन खींच रहा हूं तो वो लाइन, ये देखिए ये अगर एक लाइन है तो ये बाहर एक मुझे क्या मिलेगा, एक बिंदु। तो अगर मैंने इस लाइन को बाहर विषुवत रेखा पे खींचा तो मुझे बाहर से देखने पर ये क्या दिखेगी, बिंदु। तो दो लाइन खींचनी मुझे, पहली लाइन विषुवत रेखा पे और दूसरी लाइन विषुवत रेखा पे, तो दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर हुई तो बाहर मुझे कितनी बिंदु दिखेगी, एक ही बिंदु, और दोनों लाइन एक दूसरे को ओवरलैप हो गई है तो कितने डिग्री कोण बनेगा, 0 डिग्री। तो ये बन गया कितने डिग्री का कोण, 0 डिग्री। इस 0 डिग्री के कोण को, अब देखिए इस तरफ तो बन गया, अब सेम चीज किधर होगी, पहली लाइन विषुवत रेखा पे, दूसरी लाइन भी विषुवत रेखा पे, जब दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेगी तो यहां पर भी कितने डिग्री का कोण बन गया, तो दो कोण बन गए कितने डिग्री के, 0 डिग्री के। ये दो ही क्यों बने, ये दो बनेंगे कि और भी बनेंगे, ये दो ही बनेंगे और भी बनेंगे, पहले एक बात समझिएगा, एक कोण बनाया मैंने 0 डिग्री का, अभी मैं बाकी कोण बनाया ही नहीं है, अभी जितने कोण बनेंगे वो बताएगा कि पृथ्वी में कितने, अच्छा आंसर, हमें कोण बनाना है और जितने कोण बनेंगे उतने क्या होंगे, ये बात समझ में आ रही। मैंने पहला कोण बनाया और वो कोण कौन सा है, क्योंकि पहली लाइन विषुवत रेखा से अगर शुरू हो रही है तो दूसरी लाइन भी विषुवत रेखा पे खींच दिया तो कोण कितने डिग्री का बनेगा, और 0 डिग्री का कोण क्या कहलाएगा, 0 डिग्री का जो कोण होगा वो अक्षांश कहलाएगा। कोण कौन से डिग्री का था, 0 डिग्री का, तो अक्षांश कौन सी डिग्री का, तो ये बोलेंगे 0 डिग्री लैटिट्यूड। तो पहला कोण मिल गया, पहला अक्षांश मिल गया, अब उसके बाद और,
तो समझाना ये था कि सिर्फ दो ही कोण बनेंगे जीरो डिग्री के कि बहुत सारे बनेंगे पृथ्वी पर, पृथ्वी पर केंद्र से विषुवत रेखा की ओर इधर और इधर दो लाइन खींचा मैंने तो बना जीरो डिग्री कोण, केंद्र से इधर इस तरफ दोनों लाइन खींचा तो बना जीरो डिग्री कोण। क्या सिर्फ इधर और इधर खींच सकता हो, पीछे और आगे नहीं खींच सकता? ये तो सर्कल है क्या पीछे विषुवत रेखा? तो पृथ्वी कटी है बताने के लिए, पृथ्वी जुड़ी हुई है, तो क्या पीछे और आगे नहीं खींच सकता? क्या उधर इधर इधर उधर नहीं खींच सकता? क्या उसके इधर उधर नहीं खींच सकता? तो मतलब मैं जितना चाहूं उतना जीरो डिग्री कोण बना सकता हूं, हाँ है ना? और आपको बचपन में आपने देखा होगा कि कई सारे बिंदुओं को जब मिलाया जाता है तब वो बनता है क्या, बचपन में करते थे बाल भास्कर में आता था डॉट 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 सबको मिलाते, अरे ये तो हाथी बन गया, अरे ये तो चूहा बन गया, बिल्ली बन गया, वो वैसे नहीं समझ में आ रहा था लेकिन बनने के बाद समझ में आ जाता। तो जब बहुत सारे बिंदुओं को, जब बहुत सारे बिंदुओं को मैंने मिलाया क्या बन गया, इधर 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 ऐसे करके सब बिंदुओं को मिलाया तो क्या बन गया, एक सर्कल। तो जीरो डिग्री अक्षांश क्या है, सारे बिंदुओं को मिला दिया तो क्या बन गया, सभी जीरो डिग्री अक्षांश मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं, सर्कल का। पृथ्वी पर सेंटर में ये बन गया सर्कल जीरो डिग्री का, और जिसको आप क्या बोल रहे हो, तो जिसे आपने क्या बोला था, विषुवत वृत्त बोली थी, जिसे आपने भूमध्य वृत्त बोली थी। अब उस सर्कल को सामने से देखने पर वो क्या बना है, सर्कल। इस सर्कल को सामने से देखने पर वो क्या नजर आएगी, दिख रही लाइन नजर आ रही है, इसी को ही हम बोल देते हैं क्या, विषुवत रेखा। बात समझ में आ रही है? लेकिन रेखा नहीं है ये, रेखा दिख रही है लेकिन है क्या, बन गई वृत्त। तो एक बन गया जीरो डिग्री का अक्षांश, क्लियर। अब इसके ऊपर जितने भी अक्षांश बनेंगे उसको क्या बोलेंगे, उत्तरी अक्षांश यानी नॉर्दर्न लैटिट्यूड, और उसके नीचे जितने भी अक्षांश बनेंगे उसको क्या बोलेंगे, दक्षिणी अक्षांश यानी कि साउदर्न लैटिट्यूड। और एक एक करके कोण बनाते जाएंगे बनाते जाएंगे बनाते जाएंगे, और आखिरी में काउंट करेंगे कि कितने कोण बने। जितने कोण बनेंगे समझ लेना उतने ही पृथ्वी पर क्या है। तो कोई पूछे पृथ्वी पर नंबर ऑफ लैटिट्यूड कितने हैं, तो किसी को पता है? ये तो पता चलेगा पढ़ने के बाद ना। तो इसको कब पढ़ेंगे हम, इसको कंटिन्यू करेंगे कब? थोड़ा सा इंटरेस्ट लग रहा है कुछ, पता अंदर से फीलिंग आ रही है? पहले तो ये खुद फीलिंग आनी चाहिए कि मुझे पढ़ना है। कोई दुनिया कोई ताकत आपको नहीं पढ़ा सकती जब तक कि आप ये ना सोचो कि मुझे पढ़ना है। आपको ही नहीं पढ़ना है तो कोई आपको पढ़ा भी नहीं सकता। क्लियर? थोड़ा बहुत समझ में आया? और ऐसे ही करते करते हम पूरे भूगोल को पढ़ लेंगे और आपको पता ही नहीं चलेगा। नहीं पता चलेगा लेकिन आपको वैसे पता नहीं चलेगा, अरे खत्म हो गया, मतलब लगेगा कि और होना चाहिए था, इतना जल्दी कैसे खत्म हो गया, जबकि ऑलरेडी हमने डेढ़ दो महीने पढ़ लेने। तो डेढ़ दो महीने के बाद भी आपको ऐसे ही लगेगा कि अरे यार इतना जल्दी कैसे खत्म हो गया, अभी तो शुरू हुआ था। इस बात की गारंटी मेरी है कि आपको अच्छा लगेगा। कोशिश रहेगी कि आपको जितना अच्छे से पढ़ा सकूं उतनी अच्छे से पढ़ाऊंगा आपको। समझ फास्ट जरूरी नहीं है, मैं फास्ट पढ़ाता हूँ, बहुत फास्ट पढ़ाता हूँ मैं, लेकिन आप जिस स्पीड को मुझे एक्सेप्ट कर लो उसी स्पीड में मैं बढ़ूंगा आगे। बात समझ में आ रही? अगर कभी लगे कि फास्ट हो रहा है तो हम स्लो पढ़ेंगे, कभी बहुत स्लो हो रहा है फास्ट पढ़ेंगे। तो एक जो नॉर्मल स्पीड होती है उस स्पीड में हम चलेंगे। बाकी आप मुझे बताइए कैसा लग रहा है, ठीक है? चलिए।